हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संतोष आसनसोल वेस्ट बंगाल से रिदमिक इक्विपमेंट की तरफ से। फ्रेंड, आज का हमारा जो वीडियो है वो दांची के 5 kV के स्टेबलाइजर के ऊपर है। हमारे साउंड सिस्टम में जैसे एम्पलीफायर हम लोग बहुत सोच समझ के लेते हैं, स्पीकर हम लोग बहुत सोच समझ के लेते हैं, या बहुत ऐसे कंपोनेंट है जो हम बहुत सोच समझ के लेते हैं, तो हम लोग क्या स्टेबलाइजर सोच समझ के लेते हैं? स्टेबलाइजर हमारे ऑडियो इक्विपमेंट का हर्ट है, आप कहिए तो बहुत मुख्य भूमिका ये हमारे सिस्टम में निभाता है। तो क्या हम लोग एक स्टेबलाइजर को सोच के लेते हैं? तो आज का जो अपना वीडियो है वो दांची के 5 kV के स्टेबलाइजर के ऊपर है। आज हम लोग इस वीडियो में इस प्रोडक्ट की रिव्यू करेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे और साथ ही प्राइस डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये प्रोडक्ट कैसा है। तो फ्रेंड, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पे नए हैं तो लाइक करिए, और कमेंट करना बिल्कुल फ्री है तो कमेंट करते हुए जाइएगा। फ्रेंड, मेरे सामने ये आप स्टेबलाइजर देख सकते हैं जो कि दांची का 5 kV का स्टेबलाइजर है। ये इसका फाइनल लुक है। जब आप एक स्टेबलाइजर दांची कंपनी का प्रोडक्ट करते हैं तो कुछ इस टाइप का आपको लुक देखने को मिलता है। जब आप इसको अनबॉक्स करेंगे तो कुछ इस टाइप का आपको लुक देखने को मिलता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ क्लोज लुक। फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं दांची की ब्रांडिंग है, प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है और ISO सर्टिफाई है। ISO सर्टिफाई होने का मतलब ये है कि इसमें जो भी इक्विपमेंट कंपनी यूज कर रही है वो बिल्कुल सर्टिफाई होके आया है। माइक्रो कंट्रोल वोल्टेज स्टेबलाइजर है। मॉडल नंबर आप यहाँ देख सकते हैं RPS5130PA। कैपेसिटी 5 kV है और इनपुट अगर मैं वाट वोल्ट की बात करूँ तो यहाँ 130 वोल्ट से ये स्टेबलाइजर अपना काम करेगा, और मैक्सिमम अगर मैं वोल्ट की बात करूँ तो 80 वोल्ट से ये अपना काम करेगा। आउटपुट इसमें आपको 200 वोल्ट से लेकर 250 वोल्ट देखने को मिलता है। ये वेट आप देख सकते हैं 19 kg, और यहाँ ये डायमेंशन मेरा छूट रहा है, ये सेंटीमीटर में ये इसका टोटल डायमेंशन है। मैन्युफैक्चर इन मई 2023 का प्रोडक्ट है। क्वांटिटी इस बॉक्स के अंदर एक है। मैन्युफैक्चर्ड बाई रॉबिन पावर सिस्टम न्यू दिल्ली। यहाँ पे इनका पिन कोड है। फ्रेंड, जब आप इस बॉक्स को ओपन करेंगे, ये मैंने ओपन किया, तो ये वाला जो बॉक्स है, ये बॉक्स ये बाजू में मैंने रखा है, ये इसके अंदर ये था। अभी मैं इसको भी थोड़ा सा अनबॉक्स करता हूँ। फ्रेंड, जब आप इसको अनबॉक्स करेंगे तो देखिए, मैंने काफ़ी दांची के स्टेबलाइजर्स को अनबॉक्स किया था पहले, तो आपको इसके अंदर थर्मोकोल की पैकिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थर्मोकोल की पैकिंग में आती है। अभी हम लोग पहले इसको भी बाहर कर लेते हैं। फ्रेंड, जब आप लोग उस बॉक्स को ओपन करेंगे तो इस टाइप का थर्मोकोल में आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, जो कि आपके प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। फ्रेंड, जब आप इस बॉक्स को कट करेंगे, तो अभी मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप का हमें प्रोडक्ट देखने को मिलता है, जो बहुत ही अच्छे पैकिंग में है और प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। अभी हम लोग थोड़ा सा इसको बाहर कर लेते हैं। फ्रेंड, जब आप इस स्टेबलाइजर को बाहर करेंगे तो यहाँ पे एक आपको सर्टिफिकेट टाइप का वारंटी कार्ड मिलेगा। जब आप प्रोडक्ट परचेस करते हैं तब इसको फील करवा लें, क्योंकि 1 ईयर वारंटी के साथ आता है ये प्रोडक्ट। यहाँ पे इसका रेगुलेटर आपको देखने को मिलता है, आप ये यहाँ पे लगा सकते हैं। ये हाई लो का स्टेप अप डाउन टाइप का स्विच है, और यहाँ पे अगर आप पावर से चलाते हैं तो ग्रिड में रहेगा, जब आप जनरेटर से चलाते हैं तो ये जनरेटर में रहेगा, और यहाँ पे आपको वोल्टेज शो होगा, इनपुट आउटपुट फ्रिक्वेंसी हर चीज़ इसमें देखने को आपको मिलेगी। और आपको जिसको इसको कंटिन्यू देखना है, लाइक फ्रिक्वेंसी या इनपुट वोल्टेज या आउटपुट वोल्टेज, तो आप उस समय अगर इसको प्रेस करके रखेंगे तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। अब मैं साइड व्यू की जरा सा बात करता हूँ, तो साइड व्यू में यहाँ पे आपको दांची की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। 100% कॉपर है, जैसे कि आपको पता है स्टेबलाइजर वगैरह एल्यूमिनियम का नहीं लेना चाहिए, हमें कॉपर का ही लेना चाहिए। साथ में यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट का सीरियल नंबर है। ये जो सीरियल नंबर है ये हमारे सर्टिफिकेट के सीरियल नंबर के साथ यहाँ पे देखिए ये जैसा है ये मैच होना चाहिए। तो क्या है कि जब आप वारंटी क्लेम करेंगे तो कंपनी के एंड से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इस साइड आप देख सकते हैं, इस साइड आपको एक दांची की ब्रांडिंग मिलती है, जो कि परमानेंट टाइप का टैग है, पंच है, रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है। और अगर मैं इसके साइड व्यू की बात करूं, फ्रंट साइड व्यू, तो ये आपको 4 15 एम्पियर के सॉकेट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे MCB में ऑन ऑफ देखने को मिलता है। ये इसका केबल है, यहाँ पे आप केबल की क्वालिटी देख सकते हैं, ठीक है, ठीक ठाक है, बहुत हेवी नहीं, लेकिन ठीक है, 5 kV स्टेबलाइजर के हिसाब से ये थोड़ा सा और हेवी होना चाहिए था। और ये है फेस न्यूट्रल, और ये अर्थ का है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अर्थ वाला भी आप लगा के चलाएं, क्योंकि कंपनी ने जब इसको दिया है तो
तो इसका भी कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में यूज है। ये क्या है कि अगर अपना किसी टाइप का शॉर्ट सर्किट होता है तो अर्थ अगर रहेगा तो हमारा जो शॉर्ट सर्किट है वो ग्राउंड हो जाएगा, तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी हम लोग इसमें थोड़ा सा पावर देते हैं, उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा चेक करते हैं। तो फ्रेंड अभी हम लोग इस स्टेबलाइजर की टेस्टिंग करते हैं, और टेस्टिंग के लिए देखिए मैंने ये स्टेबलाइजर, ये अपना मिक्सर से आ रहा है, इसकी टेस्टिंग के लिए ये जो स्टेबलाइजर का केबल है ये मैंने इस बोर्ड में लगा दिया है। यहाँ पे देखिए अर्थ मैंने नहीं लगाया है, लेकिन आपको अर्थ को भी लाइन में लेना है, क्योंकि देखिए ये जैसे ये मेरा मिक्सर है तो यहाँ पे अर्थ भी दिया है। अगर अर्थ का यूज़ नहीं होता तो कंपनी बेवकूफ़ नहीं है कि इसमें एक रुपये भी इन्वेस्ट करती। टू कोर केबल भी यूज करने से हो सकता था, लेकिन कंपनी ने थ्री कोर केबल जब यूज़ किया है तो कहीं ना कहीं उसका यूज़ बहुत ही ज़्यादा है। तो इसी के लिए मैं आपको एडवाइस करूँगा कि ये थ्री कोर वाला केबल ही आप यूज करें। और यहाँ पे देखिए मैंने पावर दिया है सिस्टम से, आपको इसके राइट में फेज आना चाहिए और न्यूट्रल जो है इसके लेफ्ट में आना चाहिए। अभी हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पे देखिए ये फेज यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे न्यूट्रल आ रहा है, नहीं आ रहा है, सही है ये। क्योंकि मैं आपको इसलिए देखने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पे एल है फेज, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे एन है न्यूट्रल। तो जब मैं इसको लगाऊंगा तो मुझे फेज फेज में ही मिलना चाहिए और न्यूट्रल मुझे न्यूट्रल में ही मिलना चाहिए। अगर ये चीज़ आपका नहीं होगा तो कभी कभी होता है ना, हम लोग बोलते हैं अरे यार एम्पलीफायर में करंट आ रहा है, तो एक कहीं ना कहीं रीज़न ये भी होता है कि हम लोग अगर उल्टा लगाते हैं तो एम्पलीफायर ऑन तो होता है पर अपना थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, करंट मारता है एम्पलीफायर। और साथ में यहाँ पे आपको देखिए इसमें क्या है ना, आपको फ्रिक्वेंसी वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देखिए 50.1 49.9 है इसकी फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज यहाँ पे शो हो रहा है। तो फ्रीक्वेंसी जो है उसको हम लोग हर्ट्ज में, उसकी जो यूनिट है हर्ट्ज में देखते हैं। तो बहुत समय होता है कि फ्रीक्वेंसी आज 50 हर्ट्ज है, कल कहीं पे ऐसा होता है 47 हर्ट्ज है, तो हम लोग बोलते हैं यार कल साउंड लगाए थे बहुत अच्छा बज रहा था, लेकिन आज हम लोग जो साउंड लगाए वो अच्छा नहीं बज रहा है। तो उसका रीजन ये भी है कि हम लोग हमेशा वोल्टेज को देखते हैं, फ्रीक्वेंसी और एम्पियर मीटर के ऊपर हमारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे कंपनी ने ये अच्छा किया, इसमें आपको फ्रीक्वेंसी भी दिखेगा। और अभी मैंने ये लगा दिया है, ये जो सॉकेट है, अभी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखिए ये अपना पावर आ गया है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर देता हूँ आउटपुट 180, मैं इसको प्रेस करके रखता हूँ ताकि मेरा आउटपुट ही शो हो। अभी हम लोग देखिए इसमें एक बहुत मजेदार चीज है, अभी 188 वोल्टेज इसमें शो हो रहा है, इसको हम लोग लो में है अभी। इसमें देखिए बी 200 आया वोल्टेज 188 से, मतलब 12 वोल्ट एक स्टेप में बढ़ा है, 210 है, मतलब 10 से 12 वोल्ट एक स्टेप में बढ़ रहा है, देखिए 22 हो गया, मतलब 12 से 10 वोल्ट का इसमें प्लस माइनस 2% एरर आपको देखने को मिल रहा है, जो नेग्लिजेबल है, इतना हो ही सकता है, कोई इशू नहीं है। तो इसमें देखिए 232 ये बर्जर आपको मिलता है, ताकि जब आप ऑपरेट करें लाइव साउंड तो अगर आपका ध्यान इधर उधर हो तो ये बर्जर का बीप साउंड हो, उससे आपको पता चले यार मेरा वोल्टेज बढ़ गया, तो मैं उसको थोड़ा सा कम कर लूँगा ताकि हमारा जो इक्विपमेंट है वो डैमेज नहीं होगा। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये स्टेबलाइजर बहुत ही अच्छा है। तो फ्रेंड अब हम लोग बात करते हैं इस स्टेबलाइजर को लेने से हमें फ़ायदा क्या है सबसे बड़ा। देखिए पहला सबसे बड़ा फायदा इसमें ये है कि ISO सर्टिफाइड प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। आप अगर एक स्टेबलाइजर को किसी मिस्त्री से बनवाते हैं, नो डाउट ये भी किसी के हाथ का बना हुआ है, लेकिन आप अगर मिस्त्री से बनवाएंगे तो प्रोडक्ट ISO नहीं होगा, क्योंकि एक मिस्त्री प्रोडक्ट बना सकता है लेकिन उसको सर्टिफिकेशन जो काम होता है वो एक ब्रांड ही कर सकती है, जो कि हमारे और आपके बस की बात नहीं है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि ऑलवेज ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज करें। ISO सर्टिफाइड रहने से ये है फायदा कि हर एक जो इक्विपमेंट इसमें लगा हुआ है, ये रेगुलेटर हो या फिर ये स्टेप अप डाउन वाला स्विच है, सब कुछ, इवन इसका जो ट्रांसफार्मर है वो भी ऐसा नहीं है कि कंपनी ने बनाया और स्टेबलाइजर के अंदर डाल दिया, ऐसा नहीं है, वो भी पहले चेक होता है, सर्टिफाई होता है, उसके बाद इसमें यूज होता है। क्योंकि देखिए दाची तो इसके ब्रांड का नाम है, लेकिन जो रेगुलेटर है, ये स्विच है, ये तो ये सॉकेट है, ये तो दाची नहीं ना बनाती है। दाची क्या करती है, एक जगह पे प्रोडक्ट्स को असेंबल करती है। तो प्रोडक्ट में सर्टिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। तो एक तो है सर्टिफाइड प्रोडक्ट मिल रहा है, दूसरा इसमें हर एक रेगुलेटर जब आप स्टेप अप कर रहे हैं तो 10 से 12 वोल्ट मिल रहा है। दूसरे स्टेबलाइजर्स में क्या है, कहीं पे 20 वोल्ट बढ़ता है या 25 वोल्ट बढ़ता है, मतलब आप समझिए इसमें अगर 240 पे आपका सेट पॉइंट है, कट ऑफ सेट पॉइंट, तो जब ये 240 पे कट होगा तो आपका 10 वोल्ट कट होगा, मतलब ये कंटिन्यूअस 230 वोल्ट आपके सिस्टम को देगा। लेकिन इसके जगह अगर कोई दूसरा स्टेबलाइजर होगा और वो 20 वोल्ट पे कट होगा तो वो आपको 220 वोल्ट आउटपुट सप्लाई देगा। तो इस क्षेत्र में ये लेके हमें फायदा है। अब हम लोग बात करते हैं इसके प्राइस की। तो
जैसा कि मैं अपने हर एक वीडियो में प्रोडक्ट का प्राइस भी बता देता हूँ, तो आप लोगों को बहुत मदद मिलती है कि प्रोडक्ट लेने के वक्त आप थोड़ा सा बेवकूफ़ ना बन जाए। तो इस प्रोडक्ट का प्राइस आपको 9,500 से लेकर 10,000 के बीच ऑल ओवर इंडिया कहीं भी मिल जाता है। और अगर मैं वारंटी की बात करूँ तो 1 साल वारंटी के साथ आता है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट जहाँ से भी लें इंक्लूडिंग GST लें, ताकि वारंटी क्लेम में आपको थोड़ी सी मदद मिल पाए। तो फ्रेंड, अब वक्त हो चला है हमें अपने वीडियो से विदा लेने का। तो मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।